place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. Hey dude, welcome back to the channel. In this video, we will tell you top 1000 themes for MIUI user for charging animation. So इस वीडियो को पूरा देखना. चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1000 से भी ज्यादा themes जिसकी मदद से आप अपने फोन में चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर पाएंगे. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका फोन MIUI 11, MIUI 12, MIUI 12.5 या फिर MIUI 13 का अपडेट पर भी है, तो कोई भी अपडेट में आपको ये सारे थीम्स मिल जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा. तो इस वीडियो को पूरा देखना, आप ही का चैनल है. चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है. सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट नंबर का जो थीम्स है उसका नाम है प्रोजेक्ट इन्फिनिटी ओनली फॉर MIUI 12.5 एंड MIUI 13. तो इस थीम्स को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फोन में थीम्स स्टोर में जाकर के लिखना होगा प्रोजेक्ट इन्फिनिटी और ये थीम सबको मिल जाएगा. इसे डाउनलोड करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपके फोन में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा. अब आपको क्या करना होगा, जैसा कि देख सकते हो कंट्रोल सेंटर में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी अच्छा लग रहा है. अगर सेटिंग की बात की जाए तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा तरीका से आपके फ़ोन को कस्टमाइज किया गया है. हम लोगों को चार्जिंग एनिमेशन देखना है तो यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर आ चुका हूं. लेफ्ट टू राइट स्विप कीजिएगा तो आपके फोन में कुछ इस तरीके का कुछ बैनर दिखाई देंगे जो काफी अच्छा लग रहा है. तो आप इन्हें ही देख सकते हैं, आपके लिए कुछ शॉर्टकट हो जाएंगे. हम लोगों को चार्जिंग एनिमेशन देखना है, इसके लिए मैं चलिए मैं अपने फोन को चार्ज में लगाता हूं, यानी प्लग इन करता हूं. प्लग इन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फोन में कुछ इस तरीके का चार्जिंग एनिमेशन मिल रहा है. ये तो एक डेमो था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी थीम्स में आपको और भी अच्छे अच्छे चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं. जैसा कि देख रहे हो काफी अच्छा अच्छा चार्जिंग एनिमेशन है. तो आप इस चार्जिंग एनिमेशन को भी आप अपने एंड्रॉइड फोन में सेट कर सकते हो. जैसा कि देख रहे हो मैं इस चार्जिंग एनिमेशन को सेट किया, प्लग इन करूंगा मैं अपने फोन में चार्जर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक और नया चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा जो काफी कमाल का है. देख रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है और यह एक इलेक्ट्रिक है तो चार्जिंग एनिमेशन है जो और भी अच्छा लग रहा है. तो आप इस थीम्स को एक बार चेकआउट कर सकते हो. देखिए दोस्तों, इस वीडियो का मेन पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैं आपको इंट्रो में बताया कि मैं आपको 1000 प्लस थीम्स बताऊंगा जो आपके फोन में 1000 प्रकार का चार्जिंग एनिमेशन सेट हो जाएगी, चाहे आपका फोन MIUI 11, MIUI 12.5 एंड MIUI 12 यानी कहें तो MIUI 13 का अपडेट पर भी होगा, तो सारे फोन में आपको थीम्स काम करने वाली है. लेकिन हर एक अपडेट के लिए हर एक तरीका का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है और बहुत सारे अपडेट हैं जिनमें आपको चार्जिंग एनिमेशन सपोर्ट ही नहीं होता है. ठीक है, जैसा कि MIUI 12.5 में बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जिसमें आपको चार्जिंग एनिमेशन ना के बराबर मिलती है. तो उसके लिए मैं आपको एक काफ़ी अच्छा ऐप्स ढूंढ कर लाया हूँ जो काफ़ी कमाल का है. और इस ऐप्स की मदद से आप अपने किसी भी फ़ोन में, किसी भी अपडेट में, खास करके MIUI के फ़ोन में बहुत ही आसान तरीके से चार्जिंग एनिमेशन को आप सेट कर पाएंगे. तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर एक ऐप्स का जुगाड़ किया हूं जिसका नाम है गुरु चार्जिंग एनिमेशन. और अगर तुम गलती से भी इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हो तो तुम्हारे फोन में कहें तो चार्जिंग एनिमेशन का दुनिया खुल जाएगी और तुम अपने फोन में हर एक तरीका का चार्जिंग एनिमेशन को सेट कर पाएंगे. और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें इतने सारे चार्जिंग एनिमेशन दिए गए हैं कि आपको सुबह से लेकर के शाम हो जाएगा और चार्जिंग एनिमेशन नहीं खत्म होने वाला है. और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आपके फोन में जो थीम्स दिए गए हैं, जहां से आप थीम्स को डाउनलोड कर लेते हैं, वो थीम्स में आपको कभी भी इतना अच्छा अच्छा चार्जिंग एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है जो आपको इस ऐप्स में मिल जाता है. और हाँ, टेंशन नहीं लीजिए, इसके लिए आपको कहें तो किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन नहीं देना होगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक फ्री वर्जन का दिया गया है तो वहाँ से जाकर इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेना. डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे कैटेगरी दिए गए हैं जो आप फ़ोन में अपने हर एक तरीका का चार्जिंग एनिमेशन को सेट कर सकते हो, जैसे कि गेम तरीका का चार्जिंग एनिमेशन, सिंपल सिटी का चार्जिंग एनिमेशन. जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मान लिया जाए कि मुझे यह चार्जिंग एनिमेशन अच्छा लगा, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसको शेयर करूं, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा. इस पर क्लिक करने के बाद मुझे थोड़ा सा वेट करने होंगे और वेट करने के बाद यहां पर एक साइन का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है. और सेट नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है. अब देख रहे हैं सेटिंग सक्सेसफुल, ओके पर क्लिक कर देना है. मेरा चार्जिंग एनिमेशन सेट हो चुका है. लेकिन आप जब एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम डाउनलोड कीजिएगा तो आपको कुछ परमिशन देना होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 स्टेप दिए गए हैं, ड्रा ओवर वदर एप्स, तो इस परमिशन को इनेबल कर दीजिएगा. एंड नोटिफिकेशन का परमिशन देना होगा, सेट विजिट का परमिशन मांगा जाता है तो वहाँ पर इसे भी इनेबल कर दीजिएगा. तो इस तरीके से आपको सारे परमिशन को इनेबल करने होंगे, तब आपके फ़ोन में इस ऐप्स जो है काम करने वाली है. तो इस ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए और थीम्स वीम्स के चक्कर में नहीं पड़िए. यह ऐप्स को ही आप यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा ऐप्स है और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं. यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा. तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय.